समाज सेवी रंगीला चौधरी का देहांत। गांव व क्षेत्र में शोक का माहौल। स्टेशन जनपद बलिया, उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में करनई गांव के रंगीला चौधरी का देहांत हो गया। रंगीला चौधरी की उम्र 105 वर्ष हुई है। रंगीला चौधरी ने अपना सारा जीवन समाज की सेवा में गुजार दिया है। रंगीला चौधरी अपने गाँव में विद्यालय, सड़क, बिजली, पानी, खड़ंजा आदि बनवाए हैं और इनके नेतृत्व सैकड़ों बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिला था। रंगीला चौधरी का देहांत होते ही भाजपा के तमाम नेता व पदाधिकारियों का उनके आवास पर जमावड़ा लगा रहा। आज न्यूज चैनल के लिए जनपद बलिया से संजय राय की रिपोर्ट। बताइए। हमारा नाम रमाकांत यादव है, मैं करनई सेक्टर का सेक्टर प्रभारी हूँ। क्या हुआ है? भारतीय जनता पार्टी का क्या घटना घटी है? आज हमारे पिताजी श्री रंगीला चौधरी का देहांत हो गया है, उनका स्वर्गवास हो गया। अंत्येष्टि के लिए हम लोग जा रहे हैं और वो व्यक्ति रंगीला चौधरी के नाम से वो पूरा वो क्षेत्र में, मैंने पूरे जिले की बात बता रहा हूँ, रंगीला चौधरी के नाम से उनका डेरा बोलता है एक टोला, और उनके नाम पर एक प्राइमरी स्कूल भी है रंगीला चौधरी के डेरा पर जो सरकार ने बनाया है। वो हमारे जो गौरी शंकर राय जो हमारे करनई ग्राम के MP भी रह चुके हैं, MLA भी थे, उनके परम प्रिय दोस्त थे और पूरे क्षेत्र में उनका नाम है। पूरे ज़िले में कहीं भी पूछ दीजिएगा, करनई गांव में रंगीला चौधरी का डेरा है। बड़े बड़े अधिकारी उनसे इस उम्र में आकर मिलने आते थे कि रंगीला चौधरी जिंदा है। हमें बड़े गर्व के साथ उनकी संतान होने के नाते हमें गर्व महसूस हो रहा है कि आज उनका देहावसान 105 साल की उम्र में हुआ। 105 ईयर्स के हो चुके थे। आज देहांत के समय कौन कौन मौजूद हुए हैं आप? कुछ पदाधिकारी आपके पार्टी के? हमारे जितने हमारे बूथ अध्यक्ष थे, हमारे सेक्टर प्रभारी थे, सब लोग हमारे यहाँ आए हुए थे और जो हमारे पूरे रिश्तेदार, मित्र, दोस्त वहाँ पर जमावड़ा हुआ था और पूरे मने बैंड बाजे के साथ उनको एक, जैसे पहली बारात शादी होती है तो बारात निकलती है, और अंतिम बारात हम लोग बड़े शौक से निकाले थे और पूरे गाँव देख रहा था।